पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है, लेकिन आज के इस बदलते हुए युग में ये चीज़ गौण हो गई है। लोग सोचते हैं इस जन्म में ही निभ जाए तो बहुत अच्छा, अगले पिछले जन्म का किसने देखा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी मित्र डॉक्टर उमा श्री और मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूं। पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का रिश्ता भले ही ना रह गया हो, अब सिर्फ इस जन्म का ही रह गया हो, पर इस जन्म को तो सुधारा जा सकता है। इस जन्म में तो कई ऐसी गलतियां होती हैं जिनको दूर करके पति पत्नी का रिश्ता मधुरतम बनाया जा सकता है, लेकिन कई बार पति पत्नी का रिश्ता नजर आता है। मैं अपने पूर्व वीडियो में बता चुकी हूँ कि पति पत्नी का रिश्ते पर भी नज़र लगती है, टोक लगती है, तो कुछ ऐसी खास बातें होती हैं कि पर्सनल बातें होती हैं पति पत्नी की, जो एक दूसरे को नहीं बतानी, मतलब बाहर को नहीं बतानी चाहिए एक दूसरे की बातें, लेकिन फिर भी कई बार गलती हो जाती है। तो अब इस गलती को कैसे सुधारें, कुछ ऐसे उपाय आज के वीडियो में बताने जा रही हूँ जिनको करके आपके दाम्पत्य जीवन में जो कड़वाहट आ गई है, जो परेशानी पैदा हो गई है, पति आपकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते, उनको आपके भात का बना हुआ खाना पसंद नहीं आता, तो वीडियो पूरा देखिएगा, हो सकता है आपकी समस्या इस वीडियो को देखने से दूर हो जाए। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली का परामर्श उपलब्ध है, मैं 20 वर्ष से ज्योतिष कर रही हूँ, लाखों कुंडलियाँ मैं देख चुकी हूँ, बहुत से लोगों की समस्याओं का निवारण हो चुका है। आपका नाम भी इसमें शामिल हो सकता है। आपको यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो उसके लिए आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। परामर्श चार्जेबल होता है, जिसका कि चार्ज आपको ईमेल के थ्रू बताया जा सकेगा। तो आप अपनी कुंडली का परामर्श लीजिए और पर्टिकुलर कुछ खास सवाल आप पूछिए हमसे। आज के वीडियो में मित्रों आइए, जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ उसका प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आपको सबसे पहले तो महिलाओं को अपना बृहस्पति सुधारना चाहिए और लड़कों को, मतलब पुरुषों को अपना शुक्र सुधारना चाहिए। शुक्र अच्छा होगा तो दाम्पत्य जीवन मधुर बनेगा, बृहस्पति अच्छा होगा तो दाम्पत्य जीवन मधुर बनेगा। महिलाएं बृहस्पतिवार का व्रत करें, नमक न खाएं, इतने से ही काम हो जाएगा। पीले रंग के कपड़े पहन लें गुरुवार को, और पुरुष शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, खटाई ना खाएं शुक्रवार को, इतना करने भर से काम हो जाएगा। खीर खाएं, चावल की बनी हुई, या सफ़ेद रसगुल्ला खाएं, सफ़ेद गाय की सेवा करें। ऐसा करने से पति पत्नी का आपसे रिश्ता मजबूत होगा। इसके अलावा हर कुंडली में कुछ खास घर होते हैं, उनके खास उपाय आपको करने होंगे। तो मेष लग्न से लेकर मैं मीन लग्न के तक के उपाय बताने जा रही हूँ, क्या करें जिससे फ़ायदा होगा। ये उपाय पति पत्नी दोनों को ही करने हैं। मेष लग्न में पति पत्नी शुक्रवार के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाएं और किसी भी सफ़ेद वस्तु का भोग लगाएं। सफ़ेद वस्तु से मतलब आप बर्फ़ी भी ले सकते हैं, कुछ भी चीज़ ले जाइए और भोग लगाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। पीली हल्की पीली मिठाई भी चढ़ाई जा सकती है, उसमें भी किसी प्रकार का कोई भ्रम ना पालें। इसके अलावा एक ओपल रत्न चांदी में दोनों पेंडेंट बनाकर या अंगूठी बनाकर धारण कर लीजिए, 7.5-7 रत्ती का, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मेष लग्न की बात कर रही हूँ। वृषभ लग्न वाले पति पत्नी का संबंध बहुत ख़राब हो गया, तो आप 3.5-3 रत्ती का मूंगा दोनों पहन लीजिए। मूंगा टेस्ट करके पहनिए, मानसिक अशांति हो, क्रोध अधिक आए तो ना पहने। इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में लाल गणेश जी की पूजा करें, मंगलवार का व्रत करें। पति पत्नी दोनों स्नान करके लाल रंग के कपड़े पहने और मंगल ग्रह के मंत्रों का जाप करें तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो मधुर बन सकता है। लेकिन इसके साथ साथ दोनों को एक दूसरे में अपार निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, प्यार अभिव्यक्त करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सारे उपाय भी कर लें और मन में कड़वाहट है, बैर भाव है, एक दूसरे से झूठ बोलते हो, तो फिर कोई उपाय काम नहीं करेगा। सबसे पहले एक दूसरे से कोई भी बात छुपाना बंद करो, एक दूसरे से झूठ बोलना बंद करो। मिथुन लग्न वाले जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, मिथुन लग्न मतलब लग्न अगर पति का देख लीजिए, पति का लग्न अलग है, पत्नी का लग्न अलग है, तो उसके हिसाब से भी दोनों उपाय करें। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जैसे मेष लग्न पत्नी का है और मिथुन लग्न पति का है, तो पति भी दोनों वो उपाय करेगा जो मिथुन लग्न के होंगे और मेष लग्न के होंगे, और पत्नी भी वह उपाय करेगी जो मेष लग्न और मिथुन लग्न के होंगे। मतलब दोनों उपाय दोनों को करने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पतिवार को नमक न खाएं, बृहस्पतिवार का व्रत करें। इसके अलावा 3.25 रत्ती का सुनहला दोनों इंडेक्स फिंगर में या पेंडेंट में धारण कर लो। इसके अलावा थोड़ा सा स्वर्ण दान कर दो, साबुत हल्दी का दान कर दो, इसी से आपकी बात बन जाएगी। अब मैं बात करती हूँ कर्क लग्न की। कर्क लग्न वालों को शनिवार का व्रत करना चाहिए, शनि देव के मंदिर में तेल इत्यादि अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आपको गुलाबी रंग के वस्त्र शुक्रवार के दिन पहनने चाहिए, घर की जो बेडशीट्स वगैरह होती है वो भी गुलाबी रंग की आपको यूज़ में लेनी चाहिए। अब मैं बात करती हूँ सिंह लग्न। सिंह लग्न वाले भी यही उपाय करें जो मैंने कर्क के लिए बताया है। कन्या लग्न वाले वही उपाय करें जो मैंने मिथुन लग्न के लिए बताया है। तुला लग्न वालों को क्या करना है, उनको सबसे पहले तो एक ओपल पहन लेना है 3.25 रत्ती का। इसके अलावा एक जो लाल रंग के गणेश जी हैं उनकी पूजा करनी और मंगलवार का व्रत करना है, और लाल वस्त्र में कुछ साबुत मूंग या साबुत जिसको बोलते हैं
सुपारी इसको रख के दान करना है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं बात करती हूँ वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न वाले अमेरिकन डायमंड पहन लें, इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। शुक्रवार का व्रत कर लें। धनु लग्न, धनु लग्न वाले पन्ना पहने या पन्ने का सब्स्टिट्यूट पहन लें, ऑनिक्स वगैरह पहन लें, हरे रंग के गणेश जी की पूजा करें, बुधवार का व्रत करें, उनकी बात बन जाएगी, कांसे की थाली में भोजन करें। मकर लग्न, मकर लग्न वालों को मून स्टोन पहनना चाहिए और पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न वालों को 3.25 रत्ती का माणक पहनना चाहिए, रविवार का व्रत करना चाहिए जिसमें कि नमक न खाएं और सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ मीन लग्न की। मीन लग्न वालों को पन्ना पहनना चाहिए, मरगज के जो गणेश जी होते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। तो ये उपाय आप करेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहेगा। इसके अलावा कुछ टोटके बता रही हूँ। टोटके के रूप में पत्नी जो है प्रातःकाल उठते ही पति के पैर छुए और पति पत्नी के सिर पर हाथ फेरे तो इससे भी आपस का प्यार बढ़ता है। इसके अलावा पति पत्नी को परफ्यूम गिफ्ट करे और पत्नी भी पति को परफ्यूम गिफ्ट करे तो इससे भी इनका आपस का प्यार बढ़ता है। इसके अलावा पति अपने हाथों से पत्नी की मांग भरे हर शुक्रवार के दिन तो उससे भी पत्नी और पति का प्यार बढ़ता है। इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखें, आपके जो अंडरगारमेंट हैं, आपकी जो नाइटीज़ हैं, आपके जो टॉवल हैं, आपकी जो बेडशीट्स हैं, आपके जो सॉक्स हैं, कहीं वो उनमें छेद तो नहीं है। अगर उनमें कहीं भी छेद है, कहीं से जला हुआ है या बहुत मैला कुचैला हो गया है, कहीं से फट गया है, धागा निकल गया, तो उनको तुरंत चेंज कर दो। ये आपके दाम्पत्य जीवन की नींव को कमज़ोर करता है। इसके अलावा डबल गद्दे पर सोते हो तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। आपके डबल बेड के अंदर कहीं आपने बर्तन या कबाड़ा तो नहीं भर रखा है, ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। घर के जूते चप्पल आप जमा के रखें, घर की जो रसोई है उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साफ करके सोएं, रात को गंदी नहीं रहनी चाहिए। तो ये सारे उपाय आप करना तो आपका दाम्पत्य जीवन चलेगा नहीं, दौड़ेगा, बहुत फ़ायदा होगा। टूटते हुए रिश्ते फिर से खिलने लगेंगे, खिलते हुए फूलों की तरह महकने लगेंगे। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।